हेलो टीम, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड एक एप्लीकेशन। ये है आपका बाय सेल एक्सचेंज विद ML सॉफ्टवेयर। ये इसका फ्रंट एंड है। आप यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर कर सकते हो। आपको लॉग इन रजिस्टर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से अभी मैंने एज ए एडमिन लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे आप अबाउट अस, न्यूज एंड वो सारे पेजेस यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स एंड बायस का यहाँ पे डिटेल्स आपको चेक करना है, वो आप कर पाओगे। ये सेल्स का आ गया। अगर सेल्स आपको करनी है तो यहाँ पे क्रिप्टो वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, सेल्स अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, रेट आपको आ जाएगा। बिटकॉइन की वॉलेट आईडी डालिए, बिटकॉइन वॉलेट आईडी। यहाँ पे मैटर सेलेक्ट कीजिए, पेपाल या जो भी है, कमेंट डालिए, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन एंड देन ऐड। यहाँ से आप सेल कर सकते हो। आपको बाय करना है, आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। बाय का ऑप्शन है। बिटकॉइन करेंसी सेलेक्ट किया मैंने, एक करेंसी सेलेक्ट किया। पेबल अमाउंट इंडियन रुपीज़ कितना है वो आ जाएगा। बिटकॉइन वॉलेट आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। पेमेंट मेथड आईडी आप यहाँ पे बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं या कुछ भी रख सकते हैं जो भी हमने ऑलरेडी डाला होगा। बिटकॉइन वॉलेट आईडी हमने भी कुछ भी बनाया। कमेंट डालिए, बाय पर सर्च कीजिए, वहाँ से बाय का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इसके बाद पैकेजेस है। पैकेजेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं, वो पैकेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उस पैकेज के साथ आप जा सकते हो। उसमें हमने क्या क्या फंक्शन देगा, ROI दे रखा है। मंथली ROI क्या रहेगा, ईयरली क्या रहेगा, डेली क्या रहेगा, वो ROI के अकॉर्डिंग हमने इसमें पैकेजेस बनाए हुए हैं। कॉइन मार्केट की डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। कॉइन मार्केट का है पूरा। यहाँ पर कॉइन मार्केट की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जैसे क्या प्राइसिंग चल रही है, क्या यहाँ पे देख सकते हो टिकर, क्या प्राइस इस समय है, कितना 24 घंटे में वॉल्यूम क्या रहा है, कितना चेंज हुआ है, ग्राफ का क्यों 24 आवर्स कैसा रहा है, वो चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे ना होम पेज का आपको देखना है, वो आप चेक कर पाओगे डिटेल्स। इसमें सारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं ऑलरेडी, सब चेक कर। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा, इसके मैं आपको एडमिन दिखा देता हूँ। तो ये एडमिन का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे टोटल यूजर्स, टोटल ROI, कमीशन, इन्वेस्टमेंट आपको चेक करनी है, यूजर करेंट का ईयर ग्रोथ, सेल आपको यहाँ पे रेट देखना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। फाइनेंस में हम जाएंगे तो डिपॉजिट का लिस्ट आपको चेक करना है, जो वो लिस्ट आपका पेंडिंग में है, विदड्रॉल की लिस्ट, पेंडिंग विदड्रॉल। आपको ऐड क्रेडिट करना है तो आप यहाँ से क्रेडिट कर सकते हो। यूजर आईडी डालिए, अमाउंट डालिए, नोट डालिए, ऐड कीजिए। क्रेडिट लिस्ट आप चेक कर सकते हो। जो आपने पैकेजेस बनाए हुए हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। इन पैकेज आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। यूजर का डेटा है, यूजर का कंप्लीट डेटा आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। ये देखिए, यूजर की आईडी आ जाएगी। स्पॉन्सर आईडी आप चेक कर सकते हो। फुल नेम आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। यूजर नेम यहाँ पर देख पाओगे। ईमेल आईडी एंड नंबर आप इसको एडिट करना है, एडिट भी कर सकते हो। सेटिंग्स में आप यहाँ पर चीज़ें चेक कर पाओगे, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ईमेल आपके, यहाँ पर लोगो वगैरह आपको चेंज करना है, लैंग्वेज है, टाइम जोन्स वगैरह आपको अपडेट करना है, वो आप यहाँ पर कर पाओगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर फीस सेटिंग्स है। तो किस लेवल पे क्या फीस आएगी, डिपॉजिट पे और ट्रांसफर पे, विदड्रॉल पे, जो भी फीस रखना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। कमीशन सेटअप्स करने हैं, वो आप यहाँ पर कमीशन सेटअप कर पाओगे। पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे, टोटल इन्वेस्टमेंट पे, टीम का बोनस कैसा रहेगा, रेफर बोनस में कितना मिलेगा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ईमेल एंड SMS सेटिंग्स है इसमें। आप जैसे इसमें कौन सी नोटिफिकेशन की सेटिंग किस तरीके से आपको रखना है, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ईमेल गेटवे है। हम यहाँ पे ईमेल गेटवे जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे SMTP यूज की हुई है, वो आप SMTP की की डालेंगे, इसके थ्रू आप पूरा वर्किंग रहेगा। एंड SMS के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं, बजट SMS, इन्फोबिप और नेक्स्टमो, ये यूज किए हुए हैं, जिसके लिए आप इसमें आपको केवल KPI कीस वगैरह आपको डालना होगा। इसके लिए पूरा रनिंग रहेगा। इसमें टेम्पलेट आ जाएंगे, एक्सटर्नल API, ये लैंग्वेज सेटिंग्स है, तो मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे और भी लैंग्वेज डाल सकते हो, फ्रेसिस डाल सकते हो, लैंग्वेज डालोगे, यहाँ पे पूरा ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एडमिन की लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, जितनी भी एडमिन की लिस्ट है। आपको एनुअल एडमिन करना है तो एड एडमिन भी यहाँ से कर सकते हो। डिटेल्स आपको एक फिल करना होगा, यहाँ से आपका एडमिन ऐड हो जाएगा। CMS है, तो CMS में आपको कंटेंट, कॉन्टैक्ट, क्लाइंट, सर्विस, टेस्टिमोनियल्स, वो डेटा आपको चेंजेस करने हैं, वो आप कर पाओगे। लैंग्वेज सेटिंग्स आपको अपडेट करनी है, वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। एडोन्स हैं, एडोन्स आप मैनेज कर पाओगे। एक्सचेंज सेटिंग्स को आपको मैनेज करनी है, वो आप कर सकते हो। एक्सचेंज पे जाएंगे हम, यहाँ पे एक्सचेंज का कंप्लीट डेटा जहाँ पे चेक करना है। क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करना है, वो आपको डेटा देखना है, वो आप यहाँ पे देख पाओगे। रिफ्रेश करके इसका जो करंट प्राइस है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बार बार। वो ऑटोमेटिकली API के थ्रू पूरा उठा रहा है, जो आपको दिखा रहा होगा। लोकल करेंसी है, तो लोकल करेंसी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे करेंसी का नेम, करेंसी का ISO कोड, वो आप देख सकते हो। एक्सचेंज रेट, करेंसी सिंबल,
वो चीज़ें आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। एक्सचेंज का वॉलेट आ जाएगा, अपडेट है, पेमेंट गेटवे है, तो उसके लिए पे ही आप यहाँ पे पे ही ऐड कर सकते हो, जितने भी आपको पेस वगैरह ऐड करने हैं। इसके बाद पेपाल, गोल पे, स्टैक, फोन पे, स्टैप, जिसका भी आपको यूज़ करना है आप इस पे जाएंगे, इसकी कीस वगैरह डालेंगे, उसके बाद वो पेमेंट गेटवे आपको अवर्क हो जाएगा। तो इसमें बताने के लिए इतना ही है, कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।